नाटक देखने के लिए जरूर आवें और इस समय का भी ख्याल रखा जाएगा, समय पर नाटक प्रारंभ होगी। 16 दिसंबर को है नाटक कटकरे जो हमारी प्रस्तुति है आशीर्वाद की। इस महोत्सव में 6 राज्यों के कलाकार आ रहे हैं, बिहार के साथ साथ 5 राज्य हैं। ये नाटक बिल्कुल निःशुल्क होता है अपने दिनकर भवन में, आपके बीच शहर में है। बहुत सारे कलाकार जो है नाट्य क्षेत्र से आगे बढ़े हैं और आज फिल्म करते करोड़ों कमाते हैं। बेगूसराय को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। फिलहाल अभी मैं बेगूसराय के दिनकर कला भवन में मौजूद हूं और आपको बता दूं, फिर से इस बार आशीर्वाद रंगमंडल के द्वारा आप देख सकते हैं 9वां राष्ट्रीय नाट महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे तो 16 से 21 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है और बहुत सारे नाट्य के प्रदर्शन होने वाले। इसी संदर्भ में आज तमाम आशीर्वाद रंगमंडल के लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई। आइए जानते हैं कि तमाम लोगों का क्या कहना है बेगूसराय वासियों से। अभी हमारे साथ आशीर्वाद रंगमंडल के अमित रोशन सर जुड़ने वाले। सर, क्या कहेंगे, ये जो 9वां आशीर्वाद राष्ट्रीय नाट महोत्सव होने वाला है, आज खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया आपने, क्या कुछ खास है इस? देखिए, ये आशीर्वाद राष्ट्रीय नाट महोत्सव की शुरुआत मैंने 2010 में की थी और इस तरह के महोत्सव बिहार के पटना जिले में हुआ करता था जिसमें हम लोग देखने जाते थे। तो हमारी इच्छा थी कि बेगूसराय में भी इस तरह का कार्यक्रम हो जिसमें देश के अन्य जगहों के नाट्य टीम आए, जिसकी संस्कृति, वेशभूषा, उनकी भाषा हम लोग इकट्ठे जान सकें और इस चीज़ों को ध्यान में रख के जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। क्योंकि देश के अलग अलग जगहों में नाटक करने वाले निर्देशकों से डायरेक्ट जुड़ाव संभव नहीं है, लेकिन महोत्सव के माध्यम से वो जुड़ाव संभव हो पाता है। यही उद्देश्य रखते हुए और ये मेरा 9वां साल है कि हम लोग नाट महोत्सव के की ओर आए हैं। कितने राज्य से सर आ रहे हैं कलाकार इसमें? इस महोत्सव में 6 राज्यों के कलाकार आ रहे हैं, बिहार के साथ साथ 5 राज्य हैं, बिहार, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू, गोवा एवं मध्य प्रदेश के। कब से कब तक ये पूरा? ये 16 दिसंबर से 21 दिसंबर संध्या 6:30 बजे से। नाटक का प्रदर्शन इसमें होने वाला, कितने नाटकों का मंचन होने? जी, ये 6 नाटकों का मंचन होगा। 16 दिसंबर को है नाटक कटकरे जो हमारी प्रस्तुति है आशीर्वाद की। 17 को है कथा एक कंस की, निर्देशक रोहित त्रिपाठी, अप स्टेज थिएटर ग्रुप, नई दिल्ली। 18 को है आधे अधूरे, मोहन राकेश, निर्देशक हैं विजय कुमार जो एक फिल्म अभिनेता भी हैं और ये सुखद संजोग है कि वो बिहार पटना से हैं। वो कई सीरियल जो निमकी मुखिया एक सीरियल आती थी उसके मेन किरदार में हैं। और ये नाट महोत्सव हम अपने बैचमेट इफ्रा काक जो जम्मू के हैं उनके पिताजी बड़े निर्देशक थे जो पिछले महीने गुजर गए, उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं। तो उनके द्वारा निर्देशित नाटक है लम्हों की मुलाकात जो जम्मू से आ रही है। एक बोरो नाटक है जो पहली बार गोवा की टीम बेगूसराय आ रही है। और लास्ट जो नाटक है अगरबत्ती, निर्देशिका हैं स्वाति दुबे, समागम रंगमंडल जबलपुर मध्य प्रदेश की। आप भी खुद एक रंगमंच कलाकार हैं और जाने माने कलाकार हैं, लेकिन बिहार में रंगमंच का विकास कैसे हो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 9वां अपना महोत्सव मना रहा है आशीर्वाद रंगमंडल, लेकिन बिहार में इस चीज़ की उतनी ज़्यादा प्रचलन नहीं है अभी, आगे कैसे इसमें करियर बनाए तमाम जितने भी इससे जुड़े हुए लोग? देखिए, जब हमने रंगमंच ज्वाइन किया था 1996 में, उस समय और ज़्यादा संसाधनों का अभाव था, लोग जुनून और समर्पण के साथ करते रहे हैं। आज सरकारी तौर पे भी और स्थानीय स्तर पर भी सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से आगे विकास होगा और लोग विकसित कर भी रहे हैं। तो इसमें राज्य सरकार और सबसे ज़्यादा जो सहयोग की ज़रूरत है आम जनमानस और हमारी सोसाइटी का, अगर वो मिलता है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाट्य कलाकारों को अपना सहयोग दें और अपना समय देकर समय पर नाटक देखने आए, ये अपील है। आशीर्वाद रंगमंडल राष्ट्रीय नाट महोत्सव का आयोजन कर, ये 9वां है। नाटक का अर्थ होता है कि विभिन्न क्षेत्रों का, सभी राज्य की लोक संस्कृति, उनकी भाषा और वहाँ जो स्थिति है उनकी जानकारी स्थानीय लोगों को कराया जाए। क्योंकि हम जाकर देख रहे हैं बेगूसराय की जनता, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, दिल्ली जाकर इसके नाटक को मंचन देख नहीं पाते। तो ये संस्था जो है वो कई राष्ट्रीय नाट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय नाट महोत्सव मनाकर वहाँ के कलाकारों को लाकर
बेगूसराय में प्रदर्शन कराना और बेगूसराय के लोगों के बीच में गोवा की, मध्य प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसकी बोलचाल को और वहाँ के कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन को दिखाया जाता है। ये अति सराहनीय है और आग्रह है सभी लोग आकर अपने ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा किए जा रहे नाट्य कला क्षेत्र को आकर देखें। ये जो आशीर्वाद राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है, नवा नाट्य महोत्सव है और ये आशीर्वाद रंगमंडल कला और नाट्य के संवर्धन के लिए काम करती है। और ये आप जान लें कि एक साल से पीछे, एक साल जनवरी से शुरू हुआ था एक मतलब मासिक नाट्य उत्सव। तो मासिक नाट्य, हर महीना एक नाटक, पूरे बिहार के कई जिलों से नाटक, कम से कम 12 नाटक की प्रस्तुति, 11 नाटक की हो चुकी है। दिसंबर माह की प्रस्तुति जनवरी में शायद होने वाला है, उसका समापन होगा। तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार से, कई 12 जिला से तो आए लोग, उसमें बेगूसराय का भी था नाटक। और तो मतलब एक तो राज्य को जोड़ने का काम हुआ कि यहाँ की कला संस्कृति को जोड़ना, दूसरा जो है हम पूरे देश के राज्य से जोड़ते हैं, तीसरा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ यहाँ उसमें भी 5-7 देश के लोग कलाकार यहाँ आके प्रदर्शन किया। तो सीधा उद्देश्य है कि नाट्य कला को संवर्धन हो और ये मतलब और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, ऐसे ही बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये धारणा बनी हुई है, लोगों की सोच बनी हुई है सर कि रंगमंच में इतनी ज़्यादा खास अर्निंग नहीं है, जो भी प्रोफेशन बनाते हैं तो तमाम लोगों को जुड़ने के लिए क्या कुछ खास बदलाव नहीं? अर्निंग है, पूरा पूरी अर्निंग है इसमें। इसमें तो मतलब हम समझते हैं कि ये एक, अगर जो मन में करेगा लोग, जिसे डॉक्टर बनता है लोग, इंजीनियर बनता है, वैसे तो कलाकार बनता है। बहुत सारे कलाकार जो है नाटक नाट्य क्षेत्र से आगे बढ़े हैं और आज फिल्म करते करोड़ों कमाते हैं, पूरा अर्निंग है। लेकिन जो कलाकार दिल से यही काम करे, 24 घंटा सोचे, नाटक सोचे, नाटक करे, तो वो आगे बढ़ेंगे, पहुँच ही रहे हैं। इसमें संदेश की बात नहीं है, जब दिल में जज्बा होगा वो पहुँच जाएगा। जब कलाकारों के मन में हो जाएगा जज्बा, एक उठेगा कि हमको कलाकार बनना है, अच्छा कलाकार बनना है, तो हो जाएगा। हम समझते हैं कि इसका हम शुभकामना देते हैं, कलाकार लोग मन से काम करें। देखिए, बेगूसराय को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और आशीर्वाद रंगमंडल हमेशा से कुछ न कुछ नया प्रयोग करती रही है रंगकर्म के क्षेत्र में। इस बार 9वां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है, इससे पहले बिहार में, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव अगर बेगूसराय में हुआ और उसको लाने का श्रेय जाता है आशीर्वाद रंगमंडल के सचिव अमित रोशन जी एवं उनकी पूरी टीम को। हम आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही जिलेवासियों को कहना चाहते हैं कि ये नाटक बिल्कुल निःशुल्क होता है अपने दिनकर भवन में, आपके बीच शहर में है। जितना अधिक से अधिक संख्या में आप आएंगे तो कलाकारों का इससे मनोबल बढ़ता है, प्रोत्साहित होते हैं, नाटक देखने के लिए ज़रूर आवें। और इस बार की खास बात यह है कि नाटक 6:30 शुरू होना सुनिश्चित हुआ है और होगा, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं लोगों को कि नाटक देखने ज़रूर आइए, क्योंकि दर्शक ही किसी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा, मैं शुरू से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रंगमंच के कलाकारों के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोच पा रही है। कलाकारों के साथ साथ जो आम जन नागरिक हैं उनको भी इस मामले में आगे बढ़ना पड़ेगा, कलाकारों के बारे में सोचना पड़ेगा। और नाटक को मैंने पहले भी कहा है कि नाटक जो लोग जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, नाटक में MA करते हैं, नाटक की पढ़ाई क्लास 1 से होनी चाहिए, एक विषय होना चाहिए नाट्य, और नाटक की कलाई कक्षा 1 से पढ़ाई होनी चाहिए, तभी हमारा रंगमंच विकास, ये आवश्यक विषय के रूप में होना चाहिए, तभी हमारा रंगमंच विकास करेगा और रंगमंच के कलाकार भी लाभान्वित होंगे। हम पूरी टीम को शुभकामना देते हैं, लगातार इनका ये प्रयास चल रहा है, बेगूसराय की एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी, देश भर के कलाकार यहाँ हर साल
आते हैं और अपने अपने टीम का प्रदर्शन करते हैं और हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। आम आवाम से भी आग्रह है कि इस बार आशीर्वाद के सचिव महोदय ने आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शक आवें, समय का भी ख्याल रखा जाएगा, समय पर नाटक प्रारंभ होगी और सारे लोग आवें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नाटक को देखें और लाभ लें। व्यस्तता के दौर में आज की जो समस्याएं आ रही है, लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, तो इस दौर में रंगमंच का काफ़ी महत्व है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने काम को करने के बाद रेस्ट जो समय उनका शाम का समय होता है, तो उस समय वो रंगमंच के कलाकारों के हौसला वर्धन के लिए, हौसला अफजाई के लिए निश्चित रूप से आवें और उनका हौसला अफजाई करें। सही कला किसको मानते हैं सर, ये रंगमंच को या फिल्मी जगत? देखिए, सही कला तो रंगमंच ही है क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है और कम संसाधनों में अधिक अच्छा प्रदर्शन रंगकर्मी ही कर पाते हैं। कलाकार जब ऊपर उठ जाते हैं, फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, तो वहाँ तो तकनीक का प्रदर्शन होता है और लेकिन यहाँ पर जो है ये वास्तविक प्रदर्शन है, अधिक से अधिक वास्तविक प्रदर्शन है। तकनीकी प्रदर्शन का प्रयोग फिल्मों में होता है, सीरियल में होता है, तो इसलिए असली मेरे नज़र में अगर हैं तो वो रंगकर्मी असली कलाकार हैं।